बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अलाइट स्कूल यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 6, यूनिट नंबर 4, टॉपिक फैक्टराइजेशन, HCF एंड LCM, एक्सरसाइज 4B। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट आर द स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न क्वेश्चंस 10, 11, 12, 13 एंड 14 ऑफ एक्सरसाइज 4B। डू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 4। हमारे पास एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 10 है। 4 बेल्स टॉल आफ्टर इंटरवल्स ऑफ 8, 9, 12 एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। कि हमारे पास रिंग्स हैं वो क्या होती हैं, टॉल होती हैं, बट उनका जो इंटरवल है, टाइमिंग है उनकी, कि ए के बाद जब रिंग करने की जो उनकी टाइमिंग है, इंटरवल है, वो फर्स्ट का 8 मिनट, देन 9 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट्स। के जो फर्स्ट है वो 8 मिनट के बाद रिंग करेगी, जो सेकंड वाली है वो 9 मिनट्स का उसका इंटरवल होगा, थर्ड वाली का 12 मिनट्स और फोर्थ वाली का 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ़ द टॉल टुगेदर, अगर वो एट 3 PM, अगर वो क्या करती हैं, रिंग करती हैं कितने, 3 PM पे इकट्ठे, उनकी टाइमिंग्स क्या हो जाती है, 3 PM पे सेम हो जाती है, ठीक है। व्हेन विल दे टॉल टुगेदर नेक्स्ट, कि वो नेक्स्ट कौन सा टाइम होगा हमारे पास जब वो अगेन क्या करेंगी, एक ही टाइम पे रिंग करेंगी, टॉल करेंगी। सबसे पहले तो हम जो हमारे पास इसका इंटरवल गिवन है 8, 9, 12 एंड 15 मिनट्स, उसका हम LCM फाइंड कर लेते हैं। LCM हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। अब 8, 9, 12, 15 का सबसे पहले हम 2 का टेबल लेके जाते हैं, 2 का टेबल 8 पे जाएगा, 4, 9 एज इट इज़ एंड 12 पे 6 टाइम, 15 भी ऐसे ही, अगेन 2 का टेबल लेके जाएंगे, 2, 2 ज़ा 4, 9 एज इट इज़, देन 6 पे जाएगा 3 टाइम, 15 एज इट इज़, अगेन 2 का टेबल जाएगा, 2, 1 ज़ा 2, 9, 3, 15 एज इट इज़ आएंगे हमारे पास। अब हमारे पास क्या आ गए, नंबर्स 1, 9, 3, 15। अब इन तीनों पे हम कौन सा टेबल लेके जाएंगे, 3 का लेके जा, 3, 1 ज़ा 3, 1 का 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3, 3 ज़ा 9, 3, 1 ज़ा 3 एंड 3, 5 ज़ा 15। हमारे पास अगेन 3 का टेबल जाएगा, 1, 3 है नेक्स्ट हमारे पास, 3, 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज़, 5 एज, अब 5 के लेके जाते हैं, 5, 1 ज़ा 3, जो 1 है हमारे पास, 1, 1, 1, ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे। अब जो 5 एक रह गया था, 5, 1 ज़ा 5 हो जाएगा। इनको 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 करेंगे तो आपके पास LCM क्या आ जाएगा, 360 मिनट्स आ जाएंगे। कि अगर आप 3 PM पे 360 मिनट्स को ऐड करते हो तो नेक्स्ट जो होगा आपका, वो ये सारी बेल्स, 4 बेल्स क्या करेंगी कि टॉल टुगेदर होंगी, ओके। अब मिनट्स से हमारे पास, तो सबसे पहले हम इनको किस में, आवर में चेंज करते हैं, 3 से अब में हमारे पास कितने, 1 आवर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो हम 360 को 60 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 360 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6। इट्स मीन डैट 6 आवर। अब हमारे पास जो टाइमिंग थी उनकी पहले टॉल टुगेदर की, वो क्या थी, 3 PM, 3 मीन टू से 3 बजे, 3 PM में हमारे पास कितने अब और आए, 6, तो हम इस 6 को 3 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 6 को जब हम 3 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 9 PM। 9 PM हमारे पास नेक्स्ट वो टाइम है जहाँ पे ये 4 बेल्स क्या करेंगी, टॉल टुगेदर रिंग करेंगी अगट्ठी ए के टाइम पे। वो कौन सा टाइम होगा, पहली टाइमिंग हमारी क्या थी, 3 PM। अब जो नेक्स्ट हमारी टाइमिंग आएगी वो कौन सी आएगी, 9 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 3000। अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या आता है, 3000। इफ़ देयर HCF इज़ 10, उनका HCF क्या है, 10, और फाइंड देयर LCM, आपने उसका LCM फाइंड करना है। हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, अगर 2 नंबर्स जो हमारे पास होते हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करें इज़ इक्वल, वो किसके इक्वल आते हैं, उन्हीं नंबर के HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ, वैसे तो हम, हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, बट इन्होंने हमें फर्स्ट पे ही सबसे पहले क्या दे दिया, नंबर्स का प्रोडक्ट ही दे दिया है।
नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 3000 नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एल सी एम। नंबर का प्रोडक्ट है हमारे पास 3000, 3000 इज इक्वल टू 10, एच सी एफ की इस प्लेस पे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि इन नंबर्स का जो एच सी एफ है वो 10 है और एल सी एम हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है एल सी एम से, तो 3000 से जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब हम तो इस साइड पे एल सी एम अकेला रह जाएगा, एल सी एम इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 10। अब हम क्या करेंगे, 3000 को 10 से डिवाइड करेंगे, जब आप 3000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 300। इट्स मीन डैट एल सी एम इज़ इक्वल टू 300। और अगर आप यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे था 3000 इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय एल सी एम, एल सी एम की प्लेस पे आप राइट करते हैं 300, 300 को अब जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, आपकी लेफ्ट हैंड साइड 3000 के इक्वल। 10 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या आ जाएगा 3000। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द एल सी एम एंड एच सी एफ टू नंबर आर 1760 एंड 32, कि आपका जो एल सी एम है, जो आपके पास दो नंबर होते हैं, एल सी एम उसका है 1760 एंड जो उसका एच सी एफ है वो क्या है 32 रिस्पेक्टिवली। ओके, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 160, अगर उनमें से कोई एक नंबर जो है 160 है, फाइंड द अदर, तो दूसरा नंबर हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम, मीन टू से वन नंबर मल्टीप्लाई बाय द अदर नंबर, वन नंबर को हमने क्या किया फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर तो है वो क्या है 160, मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ क्या है 32, मल्टीप्लाई बाय 1760 क्या है एल सी एम है। अब हम क्या करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 1760 करेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा 56320। ये हमारे पास आंसर आया है एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई करने से। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर इस साइड पे सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब हम 56320 को 160 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू 352। कि अगर आप 160 को, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 160 और सेकंड नंबर हमारे पास कौन सा आया है 352, अगर आप 160 को मल्टीप्लाई करते हैं 352 से तो आपके पास वो कौन से आंसर के इक्वल आएगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 1760 के आंसर के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, वो आपका एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 के हैं। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 11 किया था बिल्कुल ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 13 खुद से ट्राई करना है। वहाँ पे आपने क्या फाइंड किया था, एलसीएम फाइंड किया था। इस क्वेश्चन में आप फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ, एलसीएम आपको गिवन है बट आपके पास एचसीएफ गिवन नहीं है, वो आपने क्या करना है फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, ऑब्टेन टू नंबर सच दैट देयर एचसीएफ इज़ 20 एंड देयर एलसीएम इज़ 300। अब इस क्वेश्चन में टू नंबर्स आपने फाउंड आउट करने हैं, एक भी आपके पास नंबर क्या है गिवन नहीं है, बट एक उन नंबर्स का एच सी एफ भी गिवन है और एल सी एम भी गिवन है। एच सी एफ हमारे पास क्या है 20 और एल सी एम क्या है 300। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से हम करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास 300 है उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 300 पे कौन सा टेबल जाएगा, सबसे पहले 2 का टेबल लेके जाए, 2 1 2, 3 पे 1 टाइम गया 1 कैरी चला गया, नेक्स्ट नंबर 10 बन गया, 10 पे 5, 2 5 से 10 एंड 0 एज इट इज़ 150 आ गया, अगेन 2 का टेबल 2 7 ज़ा 14 1 कैरी 2 5 ज़ा 10। अब 75 आ गया, 75 पे आपके पास 2 का टेबल नहीं जा सकता, 3 का टेबल लेके जाते हैं, 3 2 ज़ा 6 1 कैरी 15 3 5 ज़ा 15 25 आ गया। अब 25 पे 3 का टेबल नहीं जा सकता, 5 का लेके जाते हैं, 5 5 ज़ा 25 देन 5 1 5। अब हमारे पास क्या आ गया है, 300 की फैक्टराइजेशन हमने कर ली है, अब 20 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 के टेबल से 2 10 ज़ा 20 एंड 2 5 ज़ा 10 देन 5 पे 5 के टेबल जाता है 5 1 5। जो हमने एच सी एल सी एम की फैक्टराइजेशन की थी वो क्या आया हमारे पास 2 × 2 × 3 × 5 × 5। जो एच सी एफ की हमारे पास आई थी
हमने फैक्टराइजेशन उसकी की थी वो उसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 2 × 5। अब इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2, 2 एंड 5। कॉमन फैक्टर्स के आगे 2 × 2 × 5। अब हमने टू नंबर्स को फाइंड आउट करना है। सपोज़ करें फर्स्ट जो हमारे पास एक नंबर है वो क्या है, ए है, और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, बी है। एक नंबर हमने सपोज़ कर लिया ए, दूसरा नंबर हमने सपोज़ कर लिया बी। अब ए के नंबर में बी के नंबर में भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे, बट हमारे पास जो अनकॉमन थे वो कौन से थे, 3 और 5। ए के हमारे पास जो अनकॉमन नंबर थे 3 और 5, ए हमने जो फैक्टर्स राइट करेंगे ए में, ए जो हमारे पास नंबर हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कॉमन फैक्टर इसमें राइट करते हैं 2 × 2 × 5, और जो हमारे पास अनकॉमन नंबर थे 5 और 3, इनमें से कोई एक नंबर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट जो आप बी में राइट करेंगे कॉमन फैक्टर, उसके साथ आप अनकॉमन नंबर हमारे पास एक और कौन सा रह गया था, 3, आप इसको 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए जो नंबर है हमारे पास 2 × 2 × 5 × 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 100। और बी में हम 2 × 2 × 5 × 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर 60। अब हमारे पास 100 और 60 दो एक ऐसे नंबर हैं जिनका HCF हमारे पास अगर हम फाइंड आउट करें तो 20 आएगा, और LCM अगर हम इनका फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 300। वो कौन कौन से नंबर हैं जिनका HCF 20 आए और LCM 300 आए, वो हमारे पास एक नंबर है 100 और दूसरा नंबर है 60। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 4। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमारे पास 4 गिवन ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपने आपके पास जो करेक्ट आएगा, एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उस स्टेटमेंट को देखते हुए हमारे पास जो करेक्ट आएगा उसको हमने क्या करना है, टिक करना है, उसको हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास HCF ऑफ 2000 एंड 3000 इज़, हमारे पास टू नंबर्स हैं 2000 और 3000, अगर इनका HCF फाइंड आउट करें तो क्या आएगा हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है 250, नेक्स्ट ऑप्शन है बी 300, सी ऑप्शन है 400 और डी ऑप्शन है 1000। इन फोर में से करेक्ट कौन सा है, अगर आप HCF, जैसे हम HCF और LCM के इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर आप इनका 2000 और 3000 का LCM फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1000। नेक्स्ट है आपके पास LCM ऑफ 12, 24 एंड 48 इज़, कि अगर आप LCM फाइंड आउट करें 12, 24 और 48 थ्री नंबर्स का तो आपके पास क्या आंसर आएगा। आपके पास जो फोर गिवन ऑप्शंस हैं उनमें है 48, 12, 96 एंड नन ऑफ द अबव, के इनमें से कोई भी नहीं है। अगर आप LCM फाइंड आउट करें 12, 24 और 48 का तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 48। आपने फाइंड आउट करके चेक करना है कि 12, 24 और 48 का हम LCM फाइंड आउट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 48। हमारा करेक्ट ऑप्शन है 48, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 जो वाली स्टेटमेंट है वो है हमारे पास, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1000, कि अगर हम कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम 1000 में ऐड करें टू मेक इट डिविजिबल बाय 300, कि वो क्या हो जाए, 300 से डिविजिबल हो जाए। आपके पास 4 गिवन ऑप्शन है, 300, 500, 200 एंड 400। अब अगर हम 1000 में 300 को ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा, 1300, 1300, तो 3000 से कभी भी डिवाइड हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसके जो नंबर फर्स्ट टू नंबर बनेंगे वो क्या हैं, 13 बनेंगे ना, 1300 मीन्स उस ज़ीरो को भी नहीं देखते, 13 को जस्ट देखते हैं, और इधर से भी हम 300 के भी टू ज़ीरो को नहीं देखते, सिर्फ 3 को देखते हैं। 13 और 3 को डिवाइड करें ये हो सकते हैं, नो नेवर, कभी भी नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन 500, अगर हम 1000 को 500 में ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1500। अब हम 15 के भी टू ज़ीरो को नहीं देखते, जस्ट 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 15 तो डिवाइड हो रहा है वैसे 300 से, तो नेक्स्ट ये मीन टू से 1500 300 से डिवाइड हो सकता है, बट हम देख लेते हैं ये स्मॉलेस्ट नंबर है कोई आगे, ये जो 200 या 400 भी, एक अगर हमारे पास
200 को क्या ऐड करें 1000 में, तो ये भी 300 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 200 से भी ऐड करने से डिवाइड हो जाता है 300, तो फिर इट्स मीन डैट 200 आंसर होना चाहिए, क्योंकि 5000 तो उन्होंने पूछा स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर, तो 500 तो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा ग्रेटर 200 से। तो 200 चेक करते हैं, अगर हम 1000 में 200 को ऐड करें वो क्या बन जाएगा 1200, तो हम जस्ट 12 को 3 से डिवाइड करते हैं ये, तो 3 से अगर डिवाइड करें 12 को तो 3 4 12, मीन टू से कि 1200 भी 300 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास करेक्ट था ही नहीं, 500 करेक्ट था, बट इससे एक छोटा नंबर और मिल गया 200 के, 200 को हम 1000 में ऐड करें तो 1200 बनता है, और 1200 भी 300 से डिवाइड हो रहा है। अब 400 का चेक करते हैं, 1000 प्लस 400, बट 400 को हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था 400। पहली तो बात कि ये डिवाइड हो ही नहीं सकता, 1000 में हम 400 करेंगे तो 1400 300 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, और दूसरी बात ये कि ये वैसे भी 200 से क्या है ग्रेटर है, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है 200। नेक्स्ट है हमारे पास द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज़ 15 एंड एलसीएम इज़ 200। अगर आपके पास एचसीएफ दो नंबर, कोई अब कोई भी वो नंबर हो सकते हैं कि उनका एचसीएफ आपके पास क्या है 15 है और LCM 200 है, व्हाट इज़ द सेकंड नंबर इफ़ वन ऑफ देम इज़ 300। तो हम जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे कि 15 को पहले हम 200 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 300 मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, सेकंड नंबर अब हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इसके गिवन ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 150, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 105, थर्ड ऑप्शन है C210 एंड डी ऑप्शन है आपके पास 120। अगर हम इसको ऐसे करें 15 मल्टीप्लाई बाई 200 करेंगे और फिर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे 300 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास इस सब को हम सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 105। सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है आपका। फिफ्थ वन है द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5 इज, कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम डिवाइड करें 2 से भी वो डिवाइड हो, 3 से भी, 5 से भी। आपके गिवन ऑप्शन है 30, 60, 20 एंड नन ऑफ द अबव, के इनमें से कोई भी नहीं। 30 सबसे पहले हम चेक करते हैं, 30 2 से डिवाइड होता है बिकॉज 2 15 30, 3 से होता है 3 10 30 एंड 5 6 30। 30 नंबर एक ऐसा है जो डिवाइड हो रहा है 2, 3 एंड 5। 60 को हम चेक ही नहीं करते क्योंकि 60 के हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, 30 60 से स्मॉलेस्ट है, तो अगर 60 भी होता है तो हमारे पास 60 करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, हमारे पास 30 होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन क्योंकि 30 स्मॉलेस्ट है। 20 को चेक कर लेते हैं, 2 का टेबल 20 पे जाता है, मीन टू से 2 डिवाइड होता है 20 से, 3 3 का टेबल नहीं जाता 20 पे, तो इट्स मीन डैट अगर हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2 3 5 तीनों से डिविजिबल हो, 3 पे ये डिविजिबल ही नहीं है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता, नन ऑफ द अबव ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इनमें से हमारे पास 30 क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास द फैक्टर्स ऑफ 75 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर वन में ए के पास ऑप्शन में आपके पास नो मोर देन 1 एंड 75 के, 75 पे सिर्फ हमारे पास 75 के सिर्फ 1 और 75 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, नहीं इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 15 5 75 होता है तो 15 5 भी क्या है कि हमारे पास 75 के फैक्टर्स होते हैं, तो इट्स मीन डैट ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नो मोर देन 15 एंड 25 के आपके पास जो ऑप्शन है ये वाला नो मोर देन 15 एंड 25 के, 15 और 25 के अलावा क्या इसके फैक्टर्स नहीं होते, होते हैं 1 ऑब्वियसली 1 और 75 तो होते ही होते हैं, तो ये अभी करेक्ट ऑप्शन नहीं है आपके पास। बी वाला ऑप्शन है आपके पास ओनली 1 3 5 15 25 एंड 75, 1 फैक्टर है 75 का, 3 भी फैक्टर है 75 का,
5 भी फैक्टर है 75 का, 15 भी फैक्टर है 75 का, 25 भी फैक्टर है 75 का, और 75 तो ऑब्वियसली है ही है 75 का फैक्टर। ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, बट आप डी वाला ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं, ऑल द अबव। ऑल द अबव हो ही नहीं सकता बिकॉज ए वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है और सी ऑप्शन भी आपके पास करेक्ट नहीं है, तो डी तो फिर होना ही नहीं है करेक्ट। इट्स मीन डैट बी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है। इसकी 7 वाली स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। आउट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी ऑफ नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपके पास 4 गिवन ऑप्शंस हैं, उनमें से करेक्ट कौन सा है। एचसीएफ लेस देन एलसीएम, कि एचसीएफ लेस देन होता है एलसीएम से, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम से लेस होता है। एलसीएम ग्रेटर देन एचसीएफ, इसका भी वही मीनिंग है कि एलसीएम ग्रेटर होता है एचसीएफ से, तो इट्स मीन डैट एचसीएफ इज़ लेस देन एलसीएम। ये दोनों सेम स्टेटमेंट होगी, ए ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है। सी चेक कर लेते हैं। एच सी एफ इज़ इक्वल टू एल सी एम समटाइम्स, क्या आपका एच सी एफ इक्वल होता है एल सी एम समटाइम के। हाँ जी, हमारा कभी कभी एच सी एफ एल सी एम के इक्वल भी आ जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। टू नेक्स्ट है आपके पास डी, टू ऑफ द अबव आर ट्रू, कि इनमें से कोई सी दो स्टेटमेंट क्या हैं ट्रू हैं। नहीं, हमारे पास तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू आ रही हैं, तो इट्स मीन डैट कि डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं है। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। तो ये जो तीनों आपके पास ऑप्शंस हैं ए बी सी क्या हैं, करेक्ट हैं। नाउ योर होमवर्क टाइम, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 4 of exercise 4B. You have to do all these questions on your rough notebooks and on your neat notebooks and do practice of all these questions. Thank you for watching this video.